बाद कुमारस्वामी सरकार बचती है या नहीं, बीजेपी सरकार में आ जाती है, इस पर अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल बात बारिश की कर लेते हैं। बारिश की मार झेल रही मुंबई को अब राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर मुंबई, थाने, पालघर समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो कल बारिश ने कैसे फिर मुंबई का दम निकाल दिया। सोमवार सुबह से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश होने लगी, सड़कों पर पानी भर गया और जगह जगह लंबा जाम लगा रहा। मुसीबत की बारिश से माया नगरी में हाहाकार। सड़क से रेलवे ट्रैक तक पानी का प्रहार। ये है मुंबई मेरी बेजान। न जमीन बची है, न सड़क और न ही रेलवे ट्रैक। सड़कें समंदर की तरह दिख रही हैं। बस्तियों में पानी की लहरें चल रही हैं। आलम यह है कि इंसान को बचाने के लिए नावें तक उतारी गई। यह है मुंबई मेरी जान नहीं, यह है आफत की बारिश में मुंबई बेजान। सब जगह ये फ्लोडिंग का चालू ही है और ऊपर से ट्रैफिक और बीकेसी बोले सब मेट्रो का वगैरह काम है तो ट्रैफिक जाम होना ही है। उधर जरा भी बारिश गिरे तो बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, अभी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा पानी लगा रहता है। बस बहुत सारी बसेस लेट आती है, सारी बसेस पुणे की, बेंगलोर की सारी बसेस लेट आती है, जितनी भी लग्जरी बसेस है सब सारे लेट आते हैं। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। बारिश से बेहाल मुंबई पर कुदरत का क्रोध शांत नहीं हुआ। हफ्ते मुंबई में बारिश के पानी ने प्रलय जैसे हालात ला दिए और नए हफ्ते की शुरुआत में भी मुंबई पानी पानी हो गई। जहां भी देखिए जल प्रलय, सड़कों पर हाहाकारी सैलाब, डूबती कराहती, छटपटाती और तैरती मुंबई। कहीं घुटनों पर पानी तो कहीं सीने तक, कहीं गाड़ियां डूब रही हैं तो कहीं तैर रही है। बारिश रुक नहीं रही, आफत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल बारिश की मार से रेंग रही है। स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है। शहर में खाने पीने की सामान की किल्लत हो रही है। ये मुंबई का पॉश इलाका जुहू है और सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला है और बिग बी के बंगले के सामने की सड़क पर मुसीबत का सैलाब बह रहा है। मुंबई में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ का जनजीवन किस तरह प्रभावित हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर घंटे भर से बारिश जो शुरू हो गई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों का आना जाना कुछ थम सा गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों के जो पहिए हैं किस प्रकार पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि उन्हें किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप हमें बताएं, आप पूरा खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, पूरा रेनकोट में है, आप कहाँ जा रहे हो और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? जी कहाँ जा रहे थे आप, कितना मुसीबत लग रहा है? हम आसमान पे जा रहे हैं और वड़ाला से आ रहे हैं और हमको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आजकल ट्रेन भी बहुत कम से ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं और ठेंगने भर पानी में हम लोगों को आना जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और आपसे जाना चाहेंगे, आप यहाँ पर काफी देर से आप चल के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है बारिश में ऑटो या कोई भी गाड़ियाँ नहीं मिलती है। मलाड से आ रहे, करिया काम करते हैं डाइश का, मार्बल का, और मलाड से आ रहे पार्ला स्टेशन उतर के फिर ये काम पे जा रहे ड्यूटी करने। जी बिल्कुल, और आपसे जानना चाहेंगे, आप रेनकोट में हैं, आप साइकिल लेके जा रहे थे, किस तरफ जा रहे हैं और कितना दिक्कत हो रहा है जुहू जैसे इलाके में? भाई जुहू पे जॉब पे के लिए जा रहा हूँ, पूरा पानी भरा है रोड पे
तो जाने के लिए बहुत मुश्किल से जा रहा हूँ। बहुत पानी रोड पे भरा है, पूरा जाम हो गया है, पूरा रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर पानी जाम हो चुका है। जल जलाव में एक और चीज हमेशा जो लोगों को है वो फेस करनी पड़ती है, ये वो बात है जहाँ पर अगर गड्ढा हो या मैन होल हो और जब इतना पानी भरा हो तो लोगों को बिल्कुल नहीं नजर आएगा, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं जहाँ पे इंसान मैन होल में गिर जाए या गड्ढे में नाले में गिर जाए, और इस प्रकार की जो हादसा है ये घटनाएं हमेशा होती आई हैं। और आप इस इलाके में भी आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको जो गड्ढे हैं नाले हैं उनका आपको जरूर पता नहीं चल रहा होगा, और ऐसी ही स्थिति बनी रहती है जब यहाँ पर बेजोड़ पानी जमा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई।